still drive me crazy. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली वो दोस्त अच्छे होने वाले हैं जिनको खाना पीना अच्छा लगता है। मैंने कोशिश की थी पिछले वीक कि मैं अपने फूड को रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं कि पिछले वीक हमने डिनर्स में क्या खाया है। और कई चीज़ें, कई मील मैं सिर्फ मील ही दिखा पाई हूँ, कोई मैं एंड प्रोडक्ट दिखाना भूल गई हूँ। पर यार मेरे पास 7 मील्स हैं जो हमने पिछले वीक डिनर में खाया है, तो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। और कोई नन्ही मुन्नी सी रेसिपी भी मैंने शेयर की होगी, सो जल्दी से वो देख लें। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत प्यारी होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। ये आप मुझसे लिखा के ले, सच में बहुत अच्छी लगेंगी। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बिना बातें करते हुए जल्दी से मील्स के साथ शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, बाहर धूप ज़्यादा ही लग रही है, पर ये हमारा डिनर है। ब्लैक चने बनाए हैं मैंने, जड़े देखने जब बड़े दिया, रेड अनियन एंड ये डिलीशियस मिंट वाली चटनी और राइस। क्या मेरे हस्बैंड ने राइस पी द सी चटनी नहीं? मेरे हस्बैंड दुनिया के सब तो बड़े काम चोरा, मेरे पास खांदे आ। की करना कोरोना दे विच, खाना ही आ हुन। ते झूठ ना ना बोलो, रेसिपी दसी ही। तू ही दसो की इंग्रेडिएंट्स आ, और जिन मैं कल दसी है रिपीट कर देनी आ। पर वे हरा भरा राइट, हरा भरा चारा। तुम दा दे जेड़ी मतलब आज बन रही है आलू गोभी। मैं समय पे ही फूड बनाना मैंने शुरू कर दिया। अभी 2 बज रहे हैं, डिनर है ये हमारा, क्योंकि आज हिम्मत की प्ले डेट है उसके फ्रेंड के घर। आलू गोभी के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास है ब्लैक चने, जो मैंने कल बनाए थे, जिनको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था ताकि अगले दिन भी काम आ जाए। तो ये है, और आलू गोभी भी ऑलमोस्ट होने वाला। दिस इज़ माय आउटफिट। हम लोग तैयार हैं हिम्मत के दोस्त के घर जाने के लिए। आज वो हिम्मत का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, और यस लेट्स गो। जा प्ले कर। ओके तो हम लोग पहुंच गए प्ले डेट पे, वो बैकयार्ड में प्ले कर रहे हैं। मुझे लगा था कि किसी का बर्थडे, पर वो कह रही कि नहीं ऐसी है। तो हिम्मत बहुत शाय है, यहाँ पे बैठा है, पर यहाँ पे यू नॉट शाय देन व्हाई यू नॉट प्लेइंग? ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। सो और भी हिम्मत की क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे, सो या तो मैं बनाने वाली हूँ बारबेक्यू प्लेटर हस्बैंड के लिए। क्विकली मैरिनेट किया है हमने, इसमें चिकन है, मशरूम है, पनीर है, सो अब बारबेक्यू रेडी है, उसमें जाएगा ये सारा सामान। पति चको हाँ देखे, ओहो ला ला ला, बिंगे टिंगे क्यों रख रहे तुम? गाइस हस्बैंड ने ना एक दिन इनू सारे नू खोल के इन्ना साफ किया, अहीं ते डर गए ही कि दोबारा वापस जोड़ना पवे आए ना, पर जोड़ लिया पति ने और वावा क्लीन कर लिया। और यहाँ पे बन रहा बैंगन पर था, और बैंगन की जान निकल चुकी है। हस्बैंड कब से बोल रहे हैं कि बंद कर दो, पर मैं क्या कि जाती मैं नहीं वेखती ताती बन नहीं हो सकता। सो सारा कुछ रखता है, बैंगन का पट्ठा बंद किया जाए, एंड डैडी इधर ढक्कन रख दिया जाए। लो जी ढक्कन बंद। मशरूम एंड पनीर थोड़ा जल्दी हो जाना। ओके हिम्मत गिल्ले घर से घूमता पाया, हिम्मत व्हाई यू डू दैट? सो हमारा पहला कोर्स रेडी है, जिसमें मशरूम एंड पनीर खाएंगे, क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाता है। और मैंने कोशिश की है चटनी बनाने की, दही वाली ग्रीन चटनी, बहुत अच्छी नहीं बनी, सो इतनी खुश नहीं हमारा तो। और मैंने इसके साथ बनाया है अच्छा सा सैलड, और अब हम इसको इंजॉय करेंगे, तब तक हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Salad, hum
हमेशा खाते हैं मोस्टली. सो ये मैंने बहुत ही बारीक क्यूकम्बर्स को स्लाइस कर लिया है क्योंकि खूबसूरत सैलड मुझे बहुत अच्छा लगता है. और इसमें है कैबेज और इसमें बहुत ही बारीक जो मैंने नाइफ से किए हैं टमाटर उनको ऐड किया जाएगा. देन हम इसमें मिक्स करेंगे लाइम, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट. सो रेड अनियन के बिना तो हमारा सैलड पूरा नहीं हो सकता, तो रेड भी मैंने स्लाइस करके डाल दिया है. अब इसको मिक्स किया जाएगा, देन हमारा हेल्दी डिलीशियस सैलड है. रोटी कम खाएंगे और इस सैलड को ज़्यादा खाएंगे. सो आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई है वो मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. ये है आलू पकौड़े, हमारे एरिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, हस्बैंड लोग इतने खाते नहीं, पर ये बहुत डिलीशियस बनती है. और आपको पता ही है कि मैं सब्ज़ी बनाने में कितनी कलाकार हूँ, मैं ज़्यादा ही स्वाद बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी. अगर आप भी ये सब्ज़ी बनाते हैं और खाते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. Easy to be misunderstood. No one knows I'm acting every time they're asked. So, macaroni pasta salad जो हम चिकन के साथ खाते हैं उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट में मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज पेपर और रेड पेपर जिसको मैं हाफ ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ किसी और काम के लिए, और ग्रीन पेपर, कितनी सोनिया है, लेटस जिसको ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ थोड़ा, पर थोड़ी सी यूज़ करेंगे. और मैं यूज़ करूँगी ग्रीन चिलीज, वैसे मैं करती नहीं हूँ पर आज मेरा मन है कि स्पाइसी किया जाए उसको थोड़ा. लास्ट बट नॉट लीस्ट है रेड अनियन जिनको मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, पर कुछ उसमें स्लाइसेस हैं उसको भी काट लेंगे. सो इसको हम काटेंगे इस साइज़ का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम नॉट श्योर अगर आप वो किस्म के इंसान हैं या नहीं जिसे लगता है कि जब आप चीज़ों को परफेक्शन के साथ काटते हैं तो वो टेस्ट अच्छा करता है, पर मैं वो हूँ. मुझे चाहिए कि सारी चीज़ें मेरी सेम साइज़ की हों. हमारा कटिंग का समय शुरू होता है. Let's cut the veggies. हमने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है. जब मैं छोटी थी मैक्रोनी मेरा फेवरेट पास्ता हुआ करता था, बट नॉट एनी मोर. सो अब इसको ड्राई कर लेते हैं और नॉट ड्रेन कर लेते हैं. एक्चुअली ये पास्ता होता है ठंडा पास्ता सैलड, सो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, बाद में ही हम असेंबलिंग करेंगे हमारे सैलड की. सो इसको ड्रेन करके ठंडा होने के लिए रख दिया जाए. सो पास्ता हो चुका है ड्रेन, इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए. ऐसे इसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ थोड़ी देर के. ऑलराइट, तो अब हम करेंगे पास्ते को असेंबल. मैंने इस बड़े से स्टील बोल में ऑलरेडी लेटस को ऐड करके रखा है. इसमें हम करेंगे मैक्रोनी पास्ता एंड बाकी सारी कटी हुई सब्जियाँ, पेपर्स एंड ग्रीन चिली एंड अनियन. उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मायनेज, उसके बड़े अराउंड तीन टेबलस्पून मायनेज ऐड करूँगी क्योंकि क्वान्टिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और सॉल्ट पेपर एंड थोड़ी सी रेड चिली, और इसे मिक्स कर लेंगे. एंड आपका पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए. ये बहुत ही अच्छा साइड सैलड है, बहुत सारी चीज़ों के साथ अच्छा जाता है, पर हम इसे चिकन ब्रेस्ट के साथ ही खाते हैं, हमें उसके साथ ये सबसे ज़्यादा डिलीशियस लगता है. ऑलराइट, सो आज है सैटरडे, आज हम यूज़ करने वाले हैं ये मिनी चिकन वॉन्टॉन्स. इसको मैंने दो डिफरेंट तरीके से बनाया था. इससे पहले मैंने स्टीम कर लिया, जब ये अच्छी तरह कुक हो गए, लाइक 5 मिनट्स में ही कुक हो जाते हैं, तो मैंने इसको किया है स्टीम्ड
एंड स्टर फ्राई, लाइक पैन फ्राई कर लिया है और डीप फ्राई नहीं किया है, सिर्फ पैन फ्राई। और उसके साथ मैंने ये बहुत ही डिलिशियस टमाटर एंड रेड चिली वाली चटनी बनाई थी, जो इसके साथ बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि इस दिन हमारा बहुत ज़्यादा कुछ खाने का, बहुत ज़्यादा हैवी खाने के लिए मन नहीं था, सो इसी का हमने डिनर किया था। पर ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस डिनर बना था। अगर आप कॉस्टको जाते हैं तो आप ये वाले वॉन्टॉन्स लाइक डम्पलिंग ज़रूर से ट्राई करें। So this is our dosa special. It's not perfect, पर मुझे लगता है कि एक नॉर्थ इंडियनली एंड ना परफेक्शन बहुत अच्छा है पहली बार के लिए। So yeah, सांबर is delicious. All right, आज है संडे, so संडे हमने डिज़र्ट बनाया है और या हम संडे की ट्रीट खाएंगे आज। हाँ, वो वाला चॉकलेट केक जो उस दिन मैं लेके आई थी और बहुत ही बढ़िया बना मैम। लुक एट दिस रिच चॉकलेट केक। इसमें मैंने चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर दिए एक्चुअली, नॉट चंक्स, चिप्स, चॉकलेट चिप्स। सो चॉकलेट केक थोड़ा वार्म हम डैडी को सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ। लेट्स सी डैडीज हैप्पीनेस और नॉट हैप्पीनेस। डैडी फ्रेशली मेड चॉकलेट केक। Good. You like it? I love it. Mimi, do you see? Yes. Oh, oh, ये दोनों कर माने। हाँ, डगा डगा। Then I can eat it. केक को यहाँ पे कूल डाउन होने के लिए रखा है, पर because हम वार्म सा खा रहे हैं आइसक्रीम के साथ, तो ऐसे ही मैं लेने वाली हूँ। आपने देख लिया सारे मील। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इजी, राइट? इजी। बाय लालू।